Okay.
Shut up.
position.
जगत ऋणी रहेगा, विशेष करके हम उनके संप्रदाय के लोग सब समय ऋणी रहेंगे, कभी ऋण उससे उऋण नहीं हो सकते। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि चैतन्य महाप्रभु और नहीं राधा कृष्ण के स्वरूप है, यह कृष्ण के स्वरूप है। पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन दिया षटपुंज रूप में, रामानंद को रसराज महाभाव के रूप में, और तपन मिश्र को उन्होंने दर्शन दिए कृष्ण के रूप में, और कार्तिक ब्राह्मण इत्यादि को दिया था, किंतु महाप्रभु जी ने उनको मना कर दिया था कि हमको अभी प्रकट मत करना। इसलिए उन महापुरुषों ने स्वरूप दामोदर जी भी जानते थे, किंतु किसी महापुरुष ने यह नहीं बताया कि कृष्ण स्वरूप ये सच्चिदानंद गौर है, किंतु उन्होंने बतलाया कैसे, उन्होंने बतलाया अनर्पित चरण चिरार करुणावतीर्ण कलौ समर्पित तुम उन्नतो जलरसांश भक्ति प्रिय हरि अपूरण सुंदर द्युत कदम संदीपित। जो तीन लोभों से कृष्ण ही राधा जी की भाव और कांति लेकर जगत में कृष्ण स्वरूप होकर के भी सचिनंदन गौर हरि के रूप में प्रकटित हुए, क्यों, वही अवगत भाव देने के लिए वो प्रकट हुए थे। यह सुनकर के महाप्रभु जी बोले पुरी में वैष्णव की सभा में वर्णन किया, किंतु इस प्रकार से दुग्ध में अमृत कलश में एक सुगा बंधु भी पड़ जाए तो वो सब बेकार का हो जाता, ऐसा ही तुम्हारा। और रामानंद ने कहा क्या, और ये तो खाना दूध है घन, बहुत सुंदर स्वाद, और उसमें कर्पूर थोड़ा सा दे दिया, वैसे हो गया। फिर उन्होंने ललित माधव विदग्ध माधव नाटक में भी ऐसे ही लिखा कि जो कृष्ण थे वही राधा जी का भाव कांति लेकर के अब महाविप्रकुल में चैतन्य महाप्रभु है। सुनकर के महाप्रभु बोले तुम्हारा काव्य तो बहुत उच्च कोटि का है, किंतु अत्यंत अधिक स्तुति तुमने की। तो वैष्णव ने कहा स्तुति नहीं की बल्कि उसने कुछ कहा, स्तुति नहीं की बल्कि जगत में इन्होंने प्रकट किया आपके भाव को। वो यदि नहीं आते जगत में तो क्या होता, यदि गौर यदि रूप ना आसी तो केमो ने थरी दाम दे राधा रो भाव महिमा रस सीमा जाना ही तो के। इसके बाद और ओ जानत वृंदावन, ओ जानत मथुरा वृंदावन, ओ जानत से प्रजरी की, ओ जानत राधा माधव, ओ जानत से प्रीत। ये रूप गोस्वामी नहीं रहते तो ये सब कुछ धरा रह जाता, महाप्रभु का आना कोई जानता ही नहीं, महाप्रभु किस लिए, या महाप्रभु ये कृष्ण स्वरूप ही है, राधा और कृष्ण स्वरूप है, कोई नहीं जानता। और एक बात उन्होंने जब की अद्भुत, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूत, महाप्रभु के मनोभीष्ट को उन्होंने पूर्ण किया। कैसे पूर्ण किया, क्या पूर्ण किया, चैतन्य महाप्रभु के इस लीला में प्रकट करने के दो उद्देश्य थे। एक तो राधा जी के
प्रणय भाव को प्रेम रस वो राधा या प्रणय महिमा ये तीन रस जो कृष्ण की माधुरिमा है कैसी है राधा जी को कैसे सुख होता है उस माधुरियों का स्वादन करके ऐसे ही तीन है इसके लिए वो राधा जी का भाव कांति लेकर के जगत में आए और प्रचार किया इसका वो है क्या मधुर रस या श्रृंगार रस का औपपत्य भाव उपपति भाव हमारे रामानुज संप्रदाय में मध्व में विष्णु इत्यादि संप्रदायों में साधारण लोग भी विद्वान लोग भी इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं सभी लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं किंतु रूप गोस्वामी ने शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर और युक्ति प्रबल युक्तियों के बल पर यह स्थापित किया कि नहीं यह लौकिक लोगों के लिए लौकिक जगत में यह अत्यंत घृणास्पद और नरकगामी है कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से उपपति का भाव रखे यहाँ तो ठीक है किंतु यहाँ पर परब्रह्म सर्वशक्तिमान अखिल रसामी सिंधु कृष्ण ही नायक है और उनकी स्वरूप शक्ति और उसकी स्वरूप शक्ति की कला कला माने राधिका जी के आप प्रकाश जो गोपियां हैं निज रूप तया कला भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर ये एव निज रूप तया कला भी ये निज माने कृष्ण उनकी कला अर्थात उनकी स्वरूप शक्ति के प्रकाश है कौन ये गोपियां तो यहाँ ये गोपियां नायिका है कृष्ण नायक है वहां पर यह दोषण यह कदापि नहीं हो सकता है यदि ऐसा होता तो श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे जो बाल ब्रह्मचारी थे ब्रह्म में निष्ठ थे वो श्रीमद् भागवत में कैसे बोलते कहते पहले तो ये जब रासलीला में सब गोपियां आई तो कैसे आई इसका वर्णन किया वर्जमाना थे पति भी पुत्र बांधव वो गोपियां अपने पतियों को परोस रही थी भोजन उसको छोड़कर कहीं चल पड़ी दूसरी बात जिनके पतियों ने रोक लिए कृष्ण के पास नहीं गई वो ध्यान मग्न होकर के और फिर वहीं पर कृष्ण में सबसे पहले पहुंच गई वहां रासलीला में कृष्ण ने और भी कहा गोपियों देखो हमारे पास आ गई ठीक है हमारा दर्शन कर लिया घर में लौट जाओ पतियों की सेवा करो पति यदि लंगड़ा लूढ़ा कुबड़ा निर्धन जैसे भी हो रोगी भी हो स्त्रियों को अपने पतियों को छोड़ करके दूसरों पतियों के पास में जाने से पाप लगता है तुम लोग लौट जाओ ऐसा कृष्ण कहते थे हम और भी पति सुतान रात्रि अति विलंगते अंत अच्युतागत अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के समीप में चले गए आशा महो चरण ऋण युषाम हम श्याम वृंदावने गुम गोल मल्लकौषदीना जब दुस्तजन सजन आर्य पथम माने क्या अपने पतियों को छोड़कर के भी कृष्ण के पास में चली गई किसी की परवाह नहीं की न पारे हम निर्वध्य संजुजा सुसाध कृत्यां विभुज आजुषा विवा मा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला दुर्जर गृह श्रृंखला क्या अपने पतियों को छोड़ दिया गुरुजन क्या कहते हैं वो भी लोक लज्जा सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास में चली गई इसलिए मैं तुम्हारा हे गोपियों ऋण नहीं चुका और भी थोड़ा सा हम पीछे कभी वहां पर बोलेंगे अब संक्षेप में केवल बतला रहा हूं और उन्होंने किया एक बात भक्ति की परिभाषा दी श्रद्धा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा दी रति किसको कहते हैं समस्त भक्ति के स्तरों को प्रेम किसे कहते हैं
अनुराग किसको कहते हैं, महाभाव किसको कहते हैं और अंत में मदानाख्य भाव किसको कहते हैं, सबकी परिभाषा है। जैसे अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान करना और श्रद्धा के लिए क्या कहा, श्रद्धा तो अन्नो उपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। साधन किसको कहा, तिथि साध्या भवेश साध्य भाव साधना विधा नित्य सिद्ध भाव से रति या भाव किसको कहा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुजान सुसाम विभाग रुचि चित्त माश्रिय। प्रेम किसको कहा, ध्वंस सर्वथा ध्वंस कारणे विध्वंस कारणे जब भाव बंधन, सब प्रकार के ध्वंस होने का प्रेम कारण रहने पर भी यदि वह प्रेम बढ़ जाता है तो ये प्रेम है। और क्या, जब भाव अपने प्रेम अत्यंत ऊपर की अवस्था में आ जाता है तो चित्त को मश्रित कोमल कर देता है और उस समय कृष्ण की ममता अत्यंत अधिक आ जाती है, तब वो प्रेम कहलाता है। भीष्म द्रोण भीष्म अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, वो कृष्ण में अनन्य ममता होगी, संसार भूल जाएगा, तब अनन्य ममता होने पर यही प्रेम कहलाता है। भीष्म उद्धव नारद महात्माओं ने कहा है और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, ये तो हमको मना कर रहे हैं कृपा करके, इसलिए गोस्वामी की महिमा का था पाना समुद्र की पानी के कणों को गिन लेना आकाश में तारों को गिन लेने के समान है। इसके संबंध में हम लोग मठ में जो सभा होगी उसमें हम उसका विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे, आप लोग सभा में सभी योगदान करेंगे। अंग्रेजी में बोलना होगा, क्या बोलते हैं, ओम ज्ञान मिरंतस्य ज्ञानात् चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So Srila Gurudev is speaking about the glories of Sri Rupa Goswami. Today is the disappearance day of Sri Rupa Goswami. His contribution to the world is unparalleled. In his pastimes in Krishna Leela, he is Rup Manjari. Sri Rupa Goswami ke liye pranami, aap log thoda bahut kuch zarur dein. Everyone should give some pranami for Rupa Goswami. So, being a maid servant of Srimati Radhika, as Rup Manjari, he performed services to Yuga Kishore. And among all the maid servants, he is the supreme. He is praying that Sri Rupa Manjari is, he's praying again and again. He composed a prayer to Sri Rupa Manjari and praying continuously at her lotus feet that in those past times and places where even Lalita and Vishakha can enter without any obstruction, Sri Rupa Manjari can go and enter in all those places of Radha Krishna Leela. So she is the supreme most. And then when he appeared as the Marikar, as an associate of Mahaprabhu, he told how to attain the mood of Rupa Manjari. As Rupa Manjari, she did not tell how to attain her mood, but as Rupa Goswami, he explained how to attain the mood of Rupa Manjari. He prayed Analitam Chalim Chila, that the same Krishna has appeared in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, taking the mood and the hue, the bodily hue of Sri Mati Radhika, and has come to spread Unnat Ujjwal Ras, the Bharatiya Bhav. He composed many literatures like Ujjwal Neelmani, Bhakti Rasamrita Sindhu Vidak Madhav,
And in all these literature, he glorified the Upadi Bhav, the mood of paramour of Sri Krishna. How to attain the Dasya Bhav of Srimati Radhika? This is the contribution of Rupa Goswami. He only explained this. And for this, the entire world would be eternally indebted to Rupa Goswami. And especially those who are in this parampara can never repay the debt of Sri Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu appeared to Sankha Bhattacharya in his Chatbhuj, six-handed form, and to Radhavana as Radha Krishna combined, and to Taparishratam Brahman in the form of Krishna. But he told all of them not to tell anyone about this, that he is Krishna himself. So no one said about who is Chaitanya Mahaprabhu, but Rupa Goswami, he is the one who explained Analitam Charim Sira, that he is the one, he is Krishna himself, who is coming in the form of Chaitanya Mahaprabhu, taking the mood and the bodily hue of Srimati Radhika, and to spread this mood of Apapatya Bhav. When Chaitanya Mahaprabhu heard this shloka, Analitam Charim Sira, he said that this is very nice, it's a pot of sweet milk, but just like in that, if you put one drop of sura, wine, then the whole thing is destroyed. But when Radhavana heard this, he said, this is like condensed sweet milk in which one drop of camphor has been put. So actually this word has further enhanced the beauty of this scripture. Similarly, in Lalit Madhav also, he composed this word. So when Mahaprabhu heard this, he said that you have glorified it too much. When the other Vaishnavas heard Lalit Madhava and the glorification that Mahaprabhu is Krishna himself, then they were very, very pleased. So if Chaitanya Mahaprabhu would not have, if Rupa Goswami would not have had come, then no one would have explained the internal mood of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore it is said, Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yen Bhutale. He is the one who established the Mano Bhisht of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu came to give Radha Pranay Bhav, Sri Radha Pranay Mahima, these three things, that what is the importance to take to Sri Radha Pranay Bhav Mahima. So Chaitanya Mahaprabhu came to taste this and to make the world understand what is the glory of Radha Pranay. And Chaitanya Sri Rupa Goswami explained this in great detail. In all the other Vaishnava sampradayas, this mood is not available. And actually this is, even by great jnanis in those sampradayas, this is considered to be something very, very abominable. But Sri Rupa Goswami, on the basis of different scriptures, established that this Upapati Bhav, or the mood of paramour, is actually very, very high. When we consider in this material world, then this is certainly abominable. But in the case of Paradham, Krishna, where these gopis are none other than Nidhulu Taya Kalapi, these are none other than the expansion of his own Kala, Nidhulu Kala. So these gopis are none other than the expansions of Srimati Radhika, who is his own energy. So there is no possibility of any kama bhav like in this material world. If there was any kama bhav, then how would Shukadev Goswami, who is the next brahmachari, who would have explained all of these things in Srimad Bhagavatam? Like in Srimad Bhagavatam, it is explained that how the gopis left everything and came to Krishna at the time of Maharas. Even Krishna told them to go back, and he told them that those, even the husband, if he is disabled and he has some problems, a good wife should never leave Arifa, should never leave her husband. But still they did not go back. They left low lecture, they did not care about the society, about the elderly and the husband, and came to Krishna. And Krishna said that therefore I can never repay your debt. So all of these things are explained in Srimad Bhagavatam. If there was anything abominable in here, then these things would have never been explained by Sri Rupa Goswami. So by giving so many different arguments, Sri
Rupa Goswami established with that what has been explained by Chaitanya Mahaprabhu, this is the highest mood. He also gave the definitions of Bhakti, Shraddha, Rati, Prem, Anurag, Mahabhav, Madanakya Mahabhav. All of these things were explained by Sri Rupa Goswami. So therefore, we can never, we are eternally indebted to Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami Prabhupada ki jai. Shundas Prabhu, Krishnadas Prabhu, Tavan Prabhu. वहीं से
जब मठ को वहां पर स्थापन नहीं कर सके स्थानी तो वहां पर ठाकुर जी गोपचंद्र जी को रखा था, गोपचंद्र जी को लेकर के आए मथुरा ने वहां पर प्रतिष्ठा कर और यहीं पर बहुत दिनों तक रहे। हमारे मंत्री मुझे लिखना पढ़ने का नाम आप अपना नाम किया और यहाँ पर रहते थे इसी कोठरी में और इस कोठरी पर रोटी बनती थी। उनके पास में परिवार कुछ ही नहीं था, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं अपनी चादर भी डाल देगा, उस पर हम दोनों बैठते और भगवान की लताएं को और फिर दोनों आदमी घर में आते हैं, रसोई बनाते हैं, वो रोटी करते हैं, मैं सेवता फिर वो घी लगा करके ठाकुर जी का भोग लगा करके फिर दोनों आदमी हम लोग यही घर पर बैठ करके हरी कथा सुनते और यही पर भावना निमग्न होकर के हरी कथा सुनते और उन्हीं की श्री राधा दामोदर जी की कृपा से अपने गुरु जी की कृपा से आदेश है और हमारे गुरु जी की कृपा से वो विश्व ब्रह्मांड में गए चार तरफ से विश्व भर में और सब जगह पहाड़ पर नदियों के बीच समुद्र के बीच में भी जंगल पर्वतों के शिखरों पर भी उन्होंने प्रचार का केंद्र स्थापित किया है और वही से श्री विक्रम प्रतिशत और थोड़े दिनों में डॉक्टर ऑफ ईयर उन्होंने सारे विश्व में महाप्रभु जी का की वाणी राधा कृष्ण का ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 ये सब किया उन कर दिया। आज हम लोग वहां प्राप्त कर उनकी स्मृति हम सब लोगों को आ रही है और वो हम लोगों को कृपा करें कि हम लोग भी उनकी शुद्ध वाणी का प्रचार विश्व भर में करें और करते रहें। हम जी